सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है दोस्तों। तो यार आज भाई तुम्हारा भाई देख सकते हो तैयार हो रहा है। तैयार कहाँ के लिए हो रहा है भाई? तैयार हो रहा है मेले के लिए। जी हाँ दोस्तों, शिवरात्रि का जो मेला चलता है अपने भरकट्टा में। तो मैं तो वड्डा का हुआ, तो वड्डा से जब हम पिथौरागढ़ को जाते हैं तो जाते वक्त भाई बीच में पड़ता है मार्केट भरकट्टा का। तो वहीं पर ही भरकट्टा में जो मंदिर है सिरियादेवल का, सिरियादेवल बाबा का, देवल सुमती का, तो वहाँ पर ही ये भव्य मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष शिवरात्रि का। बहुत ही एक पर्व, मतलब उल्लास पूर्व पर्व मनाया जाता है। मतलब खूब लोग आते हैं और भगवान भोले का, माता पार्वती का आशीर्वाद लेके जाते हैं। देरी ना करते हुए गाइस आज हम चलेंगे सीधे कहाँ, भरकट्टा, और भरकट्टा से नीचे सिरियादेवल, और वहाँ बाबा भोले के दर्शन हम भी करेंगे और आपको भी कराएंगे। सो ठीक है फिर अब निकलते हैं। बस निकलने से पहले भाई थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लेते हैं। तो यूँ भाई यूँ कर देगा तुम्हारा भाई गेटअप चेंज, ये देख। तो दोस्तों वैसे तो भाई सीरीज चल रही है अभी ट्रेवल की, लेकिन भाई अपने कस्बे का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का इतना भव्य मेला आखिर कौन छोड़ेगा? तो भाई मैंने भी सोचा क्यों ना अपनी ट्रेवल सीरीज को विराम देने के पश्चात मैं आज अपने भरकट्टा क्षेत्र के मेले को क्यों ना आपके सम्मुख पेश करूं। यही सोच के दोस्तों मैंने आज ये व्लॉग बनाया है, और उम्मीद यही करता हूं कि आप सभी लोगों का प्यार इस वीडियो में मुझे दिखेगा। दोस्तों वैसे तो ये खूबसूरत मेला अपने आप में ही एक अलौकिक छटा बिखेरता है। देखने के लिए बहुत कुछ है भाई। मैं तो अभी आ ही रखा हूँ क्योंकि भाई ये दोनों तो आ चुके थे शायद 11 बजे पहुँच गए थे तुम दोनों, और मैं पहुँच रखा हूँ 3:30 बजे। तो अभी क्या करता हूँ कि भाई मैं एक्सप्लोर करता हूँ मेले को और देखते हैं क्या खरीदारी हो सकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों छोटे छोटे बच्चे इस मेले का जो लुत्फ़ उठा रहे हैं वो देखते ही बनता है। बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं छोटे बच्चे। मंदिर के भीतर प्रवेश करके जो सुख और शांति की अनुभूति मुझे प्राप्त हो रही थी, मैं शब्दों में बयां करूं तो कैसे करूं। और लग रहा था कि साक्षात मैं कैलाश पर हूं, क्योंकि भोलेनाथ की असीम कृपा, माता पार्वती की असीम अनुकंपा के साथ यहां पर प्रत्येक दर्शनार्थी दर्शन के लुत्फ़ उठा रहा था। और मैं जब अधिक भीतर को प्रवेश करता गया तो वैसे ही एक सुख की अनुभूति मुझे प्राप्त होती रही। दोस्तों वो तो आप इस जगह में आकर ही खुद को
लीन कर सकते हैं भोलेनाथ बाबा के चरणों में। भव्य मंदिर के जो दर्शन हमें हुए उसे हम कभी नहीं भुला सकते। हमारे उत्तराखंड में देवभूमि, देवों का निवास, देवों का स्थल इसीलिए तो है क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं देवताओं का आशीर्वाद लेने। और आप देख ही सकते हैं दर्शनार्थी काली माता की पूजा कर रहे हैं और सुख और शांति का पाठ पढ़ रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, मुख्य द्वार पर अधिक से अधिक श्रद्धालु शीश नवाने आए हैं। और जैसे ही मैं प्रांगण से बाहर निकला, मेले का लुत्फ मैंने भी उठाया, आप देख सकते हैं नवयुवक कैसे निशानेबाजी में अपना हाथ आजमा रहे हैं। भाई देखकर ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस मेले में छोटे छोटे बच्चे किस कदर खेल रहे हैं। अपना बचपन मुझे याद आया। आप देख सकते हैं मीठी मीठी जलेबी रस से भरी हुई। वाह भाई वाह, मेले की अगर जलेबी नहीं खाई तो क्या खाया। मैं भी अपने घर को 1 किलो जलेबी यहाँ से ले आया। आप देख सकते हैं और बताओ मजा आ रहा है? कितना ज्यादा मजा आ रहा है? सही आ रहा है। तो गाइज आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो आपको पता ही है भाई अपना आशीर्वाद आपको मुझे किस प्रकार से देना है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और भाई जल्दी से जल्दी भाई के जो सब्सक्राइबर हैं बढ़ाते जाइए जल्दी से जल्दी। सो मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से व्लॉग में, तब तक के लिए रख अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।